नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश के कई नेता अधिकारी और पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय और कई जगहों पर पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही रामनगर में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने शिविर लगाकर वन कर्मियों के स्वास्थ्य की जाँच की। तो चलिए आपको भी बताते हैं राज्य के कई इलाकों में आज किस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया और कैसे लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया गया। देहरादून में आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास के परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया और सभी प्रदेशवासियों से पौधे लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने में सहयोग करने की अपील की। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। हरिद्वार में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान गंगा वाटिका में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सामाजिक संगठनों ने 75 रुद्राक्ष के पौधे समेत कई पौधे लगाए। वहीं इस मौके पर DFO दीपक सिंह ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से गंगा वाटिका को नगर वन बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत जल्द ये नगर वन हरिद्वार के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई है और ये 50वीं साल है, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस मौके पे हरिद्वार वन प्रभाग के द्वारा और IOCL इत्यादि के सहयोग से हम 75 रुद्राक्ष के पौधे आज मास लेवल पे लगा रहे हैं, जिसमें हर किसी का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग, गंगोत्री, पांच मंदिर समिति और गंगोत्री धाम के सभी व्यापारियों ने नेशनल पार्क गंगोत्री में देवदार के पौधे लगाए और लोगों से नेशनल पार्क गंगोत्री में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग गंगोत्री घाट में और गंगोत्री मंदिर की सफाई कर रहे हैं। घाट के अंदर जो भी कूड़ा करकट प्लास्टिक से संबंधित कोई भी सामान हो उसको साफ करके कूड़ादान में डाल रहे हैं तथा सभी यात्रीगणों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग न करें। आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर आज 5 जून को हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और माँ भगवती का पूरा जो गौमुख से लेकर जो हमारा प्रयास है, अभी जो अभी आज के दिन हो रहा है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गौमुख से लेकर पूरी गंगोत्री की जो सफाई करी जाती है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं और पर्यावरण के प्रति अगर हम लोग सजग नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरा सभी से आग्रह ये होगा कि अपने आसपास के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, उसका संरक्षण करें और कोशिश ये करें कि हम लोग हर महीने एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं इसी आशय के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर इसके प्रति जागृत करें। चंपावत जिला मुख्यालय में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के साथ कई विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई जगहों पर पौधारोपण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा के साथ कई प्रजाति के पौधे लगाए और लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। तो आज हम जगह जगह हम लोग प्रशासन की तरफ से और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से पौधे लगवा रहे हैं और जिससे कि जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड होती है ह्यूमंस की, वो हम फुलफ़िल कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी से चाहेंगे कि आज और हर साल, मतलब हर दिन जब भी ऐसा सीज़न हो जहाँ पर हम प्लांटेशन कर पाएँ। पिथौरागढ़ जिले में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग ने जिला मुख्यालय में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर जिला मुख्यालय के धमोर क्षेत्र में 200 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान DFO कोको रोसे और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनको संरक्षित करने की अपील की। जैसे आप अवगत है कि आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
और इस साल का थीम जो है ओनली वन अर्थ। एंड मैं आप लोग को पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि प्लांटिंग इज़ ओनली वन एक्टिविटी इसमें, बाकी जैसे प्लास्टिक वेस्ट का है, बाकी कंपोस्टिंग का हो सकता है, बाकी सस्टेनेबल लिविंग का, तो कई कंपोनेंट्स है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है मेनली इट इज़ टू मेक पीपल अवेयर। हम अपनी धरा को सुंदर और सुरक्षित रखें, हरी भरी वो धरा रहे, जो हमें जीवनदायिनी जो हमारे लिए है उसके लिए आज हमने इस ग्राम पंचायत में, धमौड़ा ग्राम पंचायत है, तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोग और हमारे विद्यालय भी है और हमारा जो मुख्य इसका आयोजन करता वन विभाग। रामनगर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने शिविर लगाकर कॉर्बेट पार्क में तैनात वन कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान टीम के डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर वो पूरे देश में पर्यावरण को बचाने वाले वन रक्षकों की जांच कर रहे हैं। हमारी संस्था है एड फॉर मैनकाइंड, अगर हिंदी में बोले तो मानवता की सहायता। ये जो कैंप है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रतिवर्ष 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं, हम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने आए हैं और जितने भी वन रक्षक हैं हम उनका स्क्रीनिंग करने आए हैं। चमोली में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरे जिले में पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, वन विभाग, नगर पालिका और नगर पंचायत समेत कई संगठनों ने लोगों को सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया।